लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दो पार्ट हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हो गए, और आपका जैसे जो बेसिक है मोड फंक्शन इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसमें स्टार्ट करते हैं बेबी का, बेबी का मान लें कि एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, वेयर पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू, एक्स माइनस अल्फा थ्री, एक्स ऑन मेनी फंक्शंस दिया हो, एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बीटा वन, एक्स माइनस बीटा टू, एक्स माइनस बीटा थ्री, एक्स ऑन एक्स माइनस बीटा एन, वेयर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, एक्स ऑन अल्फा एन, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री, एक्स ऑन बीटा एन आर कॉन्स्टेंट हो। मैंने बेबी कर्व में इस तरह का कुछ फंक्शंस दिया, इस तरह से अपन उसको ग्राफ, अब ग्राफ में क्या करेंगे, मान लिया कि आपने पी एक्स को जीरो किया एंड क्यू एक्स इज आल्सो जीरो, वी फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज आएगी। तो मान लिया कि एक्स की डिफरेंट वैल्यूज आपके आई अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू एक्स सो ऑन, अब ए जो वैल्यू एक्स की आएगी इसको क्या करो आप नंबर लाइन पे अरेंज कर दो। नंबर लाइन आपको मालूम है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, नंबर लाइन पे अरेंज कर दो। जैसे अरेंज किया मैंने अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा बीटा टू, इस तरह से जितने भी वैल्यू आए, तीन है तीन चार है चार, ये वैल्यू आपको अरेंज करने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपने शायद इलेवेंथ में भी इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, इसका यूज आप एवरी मतलब इनइक्वालिटी तो है ही है, उसके अलावा फंक्शंस रिलेशंस है, फंक्शंस में डोमेन रेंज वहां भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। स्टूडेंट्स को मतलब सॉल्व करने के बाद आंसर लिखने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं। अरेंज कर लिया, अरेंज करने के बाद इसमें से कोई भी इसके बीच की वैल्यू पुट करके देखेंगे कि ओवरऑल फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। मान लिया कि यहाँ की वैल्यू रखा तो पॉजिटिव आया, तो फिर अल्टरनेट चलेंगे इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो मैंने एक जनरल बताया कि आपका फंक्शन पी एक्स बाई क्यू एक्स हो, इस फॉर्म में करेंगे पी एक्स को जीरो करो क्यू एक्स को जीरो करो, एक्स की वैल्यू निकालो, उस एक्स की वैल्यू नंबर लाइन पे अरेंज करो, कोई भी दो के बीच वैल्यू कोई भी दो वैल्यू के बीच में एक वैल्यू आप पुट अप करके उसमें देख सकते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव है, तो इससे पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। देन भी जो क्वेश्चन पूछेगा कि आपको एक्स की किस वैल्यूज के लिए फंक्शन पॉजिटिव है या निगेटिव से या नॉन जीरो है या नॉन पॉजिटिव है नॉन निगेटिव है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस थ्री, x माइनस फोर, एक्स प्लस फाइव। तो क्वेश्चंस है, अगर फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें कि फोर व्हाट वैल्यू ऑफ x एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फर्स्ट। सेकंड एफ एक्स इज less than 0, third fx is greater than 0, fourth fx is less than equal to 0। एक ही क्वेश्चंस में चारों कर लेते हैं। तो इनइक्वालिटीज कहां स्मॉल ब्रैकेट कहीं कहां ग्रेटर ब्रैकेट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे एक क्वेश्चंस दिया हुआ है तो
इसमें ऊपर वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस माइनस टू वन थ्री फोर माइनस फाइव, इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे। जैसे इसको जीरो किया तो x इक्वल टू वन, इसको जीरो किया x इक्वल टू माइनस टू, इसको जीरो किया x इक्वल टू थ्री, इसको जीरो किया x इक्वल टू फोर, इसको जीरो किया x इक्वल टू माइनस फाइव, इंडिविजुअल करना। अब आप इसको नंबर लाइन पे अरेंज करें, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, दिस इज माइनस फाइव माइनस टू वन थ्री फोर, अरेंज किया। अब इसके बीच की कोई भी वैल्यूज आप चाहे तो फोर से ग्रेटर कोई भी वैल्यू ले ले, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इसमें रख के साइन चेक करें, या सबसे बेटर होता है जीरो लेना। अगर जीरो नंबर लाइन पे नहीं है तो जीरो लेना ज्यादा बेटर होता है कि कैलकुलेशंस आसान हो जाते हैं, साइन बहुत जल्दी आ जाता है। तो जीरो कहाँ आएगा, माइनस टू से वन के बीच में, जीरो कहाँ आएगा, माइनस टू से वन के बीच में। अब आप यहाँ जीरो रखो, अब ऊपर जीरो रखा, ऊपर इस पे जीरो रखा, तो ये क्या आ रहा है, निगेटिव, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो अपने को क्या वैल्यू से मतलब नहीं है, साइन से मतलब है। तो ऊपर क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, और नीचे आएगा माइनस, मतलब ओवरऑल साइन क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब इसके बीच क्या आ रहा है, इसके सॉरी इसके बीच क्या आ रहा है, जीरो था, जीरो रखने पे क्या आ रहा है, निगेटिव साइन, निगेटिव साइन दिया। देन अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस तरीके से प्लस माइनस ले सकते हैं, या इसको आप इस तरह से नेगेटिव आया तो डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड एक कर्व से भी आप बता सकते हैं। अब है कर्व बन गया, अब क्वेश्चंस डिसाइड करना। जैसे मैं यही बता देता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि fx की किस वैल्यू के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x बिलोंग टू ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब आपको पॉजिटिव वाला साइन लेना है, दिस this and this positives वाले sign लेना है। तो x तो minus 5 to minus 2 union 1 to 3 union 4 to infinity, ये आपका answer हो गया। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, greater than equal to, तो कहीं ना कहीं बड़ी bracket तो होगा, large bracket तो होगा। अब लास्ट ब्रैकेट कहाँ होना चाहिए, क्योंकि देखो ऊपर की वैल्यू जीरो हो जाए चलेगा, नीचे की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे की वैल्यू जीरो कर दोगे तो समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी अनडिफाइंड होना चाहिए। तो नीचे पर नीचे की वैल्यूज पे कभी भी बड़ी ब्रैकेट या इक्वल टू साइन नहीं होगा, ऊपर होगा। मतलब फोर और फाइव, मतलब फोर और माइनस फाइव को छोड़कर सभी पे आपको बड़ी ब्रैकेट करना पड़ेगा। तो वन पे होगा, वन पे होगा, दिस इज वन के बाद किस पे होगा, माइनस टू पे होगा, माइनस टू के बाद किस पे होगा, आपका थ्री पे होगा, दिस इज ए फाइनल, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब आंसर जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, जीरो या पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो ऊपर जीरो आएगा तो आंसर जीरो आ जाएगा, नीचे नहीं आना चाहिए। मतलब फोर और माइनस फाइव पे, फोर और माइनस फाइव पे ओपन ब्रैकेट होगा, और इन्फिनिटी पर तो होता ही है, इन्फिनिटी को कभी भी अपन काउंट नहीं कर सकते, इसलिए माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी में हमेशा ऑलवेज कहीं भी ओपन इंटरवल ही होते हैं। अब इसमें देखो आप लेस देन, तो लेस देन के लिए कौन सा कंसीडर करना है आपको, ए पोर्शंस और ए पोर्शन, ए तीन पोर्शन लेस देन के लिए। तो एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस फाइव यूनियन माइनस टू टू वन यूनियन थ्री टू फोर। अब इसमें बड़ी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इक्वल टू की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ लेस देन है, तो सभी पे भी एक ओपन ब्रैकेट ही होगा। अब फोर्थ वन ने क्या लिया, देखो फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस क्या, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें ग्रेटर देन है, तो आंसर तो फर्स्ट वाला ही होगा,
लेकिन इसमें इक्वल टू साइन कहीं भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आंसर जो आना चाहिए आपका जीरो से बड़ी वैल्यू आने चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। तो आंसर तो वही होगा x बिलोंग टू -5 -2 यूनियन 1 3 यूनियन 4 इंफिनिटी। एंड फोर्थ वन इज, फोर्थ का क्या है, लेस देन, फोर्थ का है क्या, ऊपर लेस देन है नीचे लेस देन इक्वल टू है, मतलब आंसर तो ऊपर ही होगा लेकिन कहीं ना कहीं इक्वल टू का साइन भी आपको लगाना पड़ेगा। और इक्वल टू का साइन कहाँ लगेगा आपका, x इक्वल टू 1 पे, -2 पर और 3 पे, क्योंकि x की वैल्यू 1 ऊपर है, -2 ऊपर और 3 ऊपर है, तो ऊपर की वैल्यू 0 आएगा, तो आंसर शुड भी 0 चलेगा लेकिन नीचे 0 नहीं आएगा, मतलब ऊपर के जो पॉइंट्स है उस पे आपको इक्वल टू साइन लगाना पड़ेगा। जैसे कि आंसर है x बिलोंग टू -इंफिनिटी, -5 पे नहीं लगना है क्योंकि -5 की वैल्यू नीचे है, यूनियन -2 पे लगना है क्योंकि -2 ऊपर है, 1 भी ऊपर है, ठीक है ऊपर भी लगना है, यूनियन 3 एंड 4, 3 पे आपका आएगा क्लोज इंटरवल और 4 पे आएगा आपका ओपन इंटरवल, क्योंकि 4 की वैल्यू नीचे से डिसाइडेबल है। तो ये तो हुआ क्वेश्चंस। अब आप बोलोगे सर ये जो आपने बताया कि एक जगह साइन डिसाइड कर लो और उसके हिसाब से बाकी सब पे डिसाइड कर लो अल्टरनेट, ये क्या सभी जगह वैलिड होगा? नहीं, ये सभी जगह वैलिड नहीं होगा, एक्सेप्ट केवल किसके लिए है, जहां पर जिसे होल पावर सब पर 1। अब कहां वैलिड नहीं होता उस पर बेस्ड भी एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं इसी को, इसी क्वेश्चन को चेंज करके मैं यहां कर देता हूं 2, इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया, पावर क्या हो गया अब आपका 2 पावर हो गया, तो क्वेश्चन तो यही रहने देते हैं, क्वेश्चन सही रहने देते हैं, सिर्फ मैंने क्या किया पावर 2 किया, तो पावर 2 से वैल्यू तो खैर वही आना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पे चेंज हो सकते हैं, अगेन बी ड्रा नंबर लाइन -∞ + ∞, दिस इज -5 -2 1 3 4, अगेन वही चीज साइन चेक करते हैं, जीरो कहाँ आएगा, इसके बीच में जीरो आएगा, तो इसके बीच में जीरो आएगा, तो क्या हो गया साइन -+−+, ऊपर तो क्या हो जाएगा आपका -−0, तो -−+ और नीचे माइनस, ओवरऑल माइनस साइन आया, मतलब इसके बीच में माइनस साइन आया, ठीक है माइनस साइन। अब देखो किस पे पावर 2 है, -2 पे, एक्स बराबर -2 पे पावर 2 है, तो एक्स बराबर -2 पे पावर 2 है मतलब इवन पावर हो, तो जिस पॉइंट पे इवन पावर हो उस पे साइन चेंज नहीं होते हैं, साइन चेंज नहीं होते हैं, मतलब उस पॉइंट के आगे और पीछे, मतलब लेफ्ट और राइट सेम साइन होगा, मतलब यहां मैंने अगर नेगेटिव दिया तो यहां भी साइन क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। देन वी ड्रा अल्टरनेट, देन फिर अल्टरनेट साइन हो जाएगा, ए माइनस हुआ ए प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। तो हमेशा ख्याल रखना कि अगर इवन पावर हो तो रूट रिपीट होते हैं, साइन रिपीट होते हैं पार्टिकुलर जिस पॉइंट पे आपका इवेंट पावर हो, मतलब इसको अगर ये इस तरह से हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव्स, ये हो गया, तो आंसर भी इसी हिसाब से लिख सकते हैं। फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा आपका x बिलोंग टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन किसके लिए है, इस पॉइंट के लिए है, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए ग्रेटर देन, तो हो जाएगा -∞ - 5 यूनियन 1 2 3 यूनियन
4 टू इंफिनिटी, अगेन अपने को क्लोज इंटरवल देना है, तो क्लोज इंटरवल कहां होगा, 1 पर, क्योंकि 1 ऊपर है। अब उसके बाद -2, तो -2 तो खैर इसमें है नहीं, देन 3, तो 3 पे ये क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है। अगेन ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन वाला ही पहले देख लेते हैं, 3rd पर x, आंसर वही होना चाहिए, सिर्फ आपका क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, 4 टू इंफिनिटी। अब देख लेते हैं 4th, लेस देन इक्वल टू, लेस देन कहां का आएगा, इस वाले पॉइंट पे लेस देन आएगा, इस वाले पॉइंट पे लेस देन आना और इस वाले पॉइंट पे लेस देन आना, तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू -5 -2 यूनियन 2 टू 1 एंड यूनियन 3 टू 4, लेस देन इक्वल टू है, तो ओपन इंटरवल कहां आएगा, 1 पे आएगा, सॉरी क्लोज इंटरवल -2 पे आएगा, क्लोज इंटरवल ये आपका अभी -2 है, -2 और 3 टू 4, 3 पे भी आएगा आपका क्लोज इंटरवल 3 टू 4, इसको चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x बिलोंग टू -5 -2, तो डायरेक्ट क्योंकि 2 कंसीडर है, तो डायरेक्ट आप -2 की जगह पर यहां पर आप 1 लिख सकते हैं, यूनियन 3 4, अगर इसमें कंसीडर करना है x बिलोंग टू, सब पे ओपन इंटरवल होगा -5 टू -2 यूनियन -2 टू 1 यूनियन 3 टू 4, इसमें नहीं लिख सकते हैं कि इस तरह से, क्योंकि -2 से कम है और -2 से ज्यादा, तो इसमें इस आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि -2 हाँ, क्योंकि -2 ऊपर आंसर 0 नहीं आना चाहिए ना, अगर -2 पे आप कंसीडर कर लोगे तो 0 आ जाएगा, जबकि क्या है, सिर्फ लेस देन है, तो इसमें नहीं करेंगे कंसीडर, इसमें इस बेस से आंसर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल्स देखते हैं, इसी में कुछ चेंजिंग नहीं, इसी में मैं क्या कर देता हूं, दिस इज पावर 3, क्या कर दिया, पावर 3 कर दिया, मतलब कि ऑड पावर, अब इसी में ऑड पावर, तो वैल्यू तो आपका वही आना, माइनस इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी, दिस इज -5 -2 1 3 4, अगेन वही तरीका, -2 से 1 के बीच में 0 आ रहा है, 0 रख के चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली निगेटिव ही आएगा, जो कि पहले वाले में भी चेक किया था, तो यहां तो आपका निगेटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, this is this, तो odd power है, तो odd power में sign change नहीं होते हैं, जो जहां पहुंचे कि alternate plus minus वही चीज आएगा, और answers में भी answer में फर्क क्या आना है, जो first वाले जो लिखा था इसका आंसर क्या होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था इसका भी आंसर आपका वही होना है, तो रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ग्राफ एज इट इज वही बन रहा है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था इसका भी आंसर वही होना है, सिर्फ याद रखना कि इवन पावर और ऑड पावर, कि अगर पावर इवन हो तो जिस पॉइंट पे पावर इवन है उस पे कर्व जो होता है वो चेंज नहीं होगा और ऑड में सेम रहता है, अल्टरनेट प्लस माइनस अल्टरनेट ही रहते हैं, ठीक है, ये होगा आपका बेबी का। अब इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चंस, दो तीन सिंपल क्वेश्चंस भी देख लेते हैं,
फटाफट दो तीन सिंपल क्वेश्चंस देख लेते हैं, वो आपके 11th की बुक्स में मिल जाएंगे, है ना। तो दो तीन सिंपल क्वेश्चंस, जैसे एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इसकी इनइक्वालिटी आपको निकालना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन इसको ऊपर एलसीएम लेके भेजो, माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स से एक कैंसिल आउट, माइनस वन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि मालूम है माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी शुड बी चेंज, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ आपने इक्वल टू क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये चीज जीरो नहीं हो सकता ना, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी तो आना नहीं है, इसलिए एक्स प्लस टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन जीरो, तो एक्स इज लेस देन माइनस टू, ये आपका आंसर हो गया। या आंसर को ऐसे नहीं लिखना चाहो तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस इनफिनिटी से माइनस टू, या ये तरीका नहीं है तो आप आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग टू माइनस इनफिनिटी से माइनस टू, तीनों तरीका है, आप तीनों तरीके से आंसर लिख सकते हो, तीनों लिखने आना चाहिए, नहीं तो कह रहा था पता चले कि आपने आंसर निकाला बुक में यह दे दिया तो लगेगा कि गलत है, तो आपको तीनों तरीका आना चाहिए, तीनों सही है, तीनों से कैसे भी लिखो नंबर नहीं कहेंगे, काटेंगे। एक और देख लो, x माइनस टू इज लेस देन जीरो एंड 4x इज ग्रेटर देन 12, तो क्या हो जाएगा, x इज यहां लेस देन 2 और यहां आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 12 बाय 4, मतलब x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब इसको अब आंसर कैसे लिखोगे, इसको नंबर लाइन पे करना पड़ेगा आपको, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, अगर दो आंसर आ रहे हैं 2 3 एक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट होगा, लेकिन अगर दो आएंगे ना, दो अलग अलग इक्वेशन है, दो अलग अलग इक्वेशन है या एक ही इक्वेशन से दो आंसर आए, तो नंबर लाइन पे आपको अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ देखो x की वैल्यू लेस देन 2 है और यहां क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3 है, तो इसमें क्या आ रहा है, कोई भी वैल्यूज आपको कॉमन, हमेशा कॉमन आंसर लिखते हैं, इसमें कोई भी दोनों के बीच कॉमन आ रहा है, मतलब इसका हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब आंसर हमेशा कॉमन आंसर ही लिखते हैं, तो हमेशा ख्याल रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं, ताकि आपको वेवी कर्व के बारे में इनइक्वालिटी के भी कांसेप्ट थोड़ा आ जाए, अगर मैं इसको कर दूं x माइनस टू इज लेस देन जीरो, तो x इज लेस देन टू और f फर्स्ट हो गया, सेकंड अगर मैं कर दूं 4x इज लेस देन 12, तो x इज लेस देन 3, और यहां अगर आप डिसाइड करो माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी 2 3, दिस इज लेस देन 2 और यहां भी क्या आ रहा है, लेस देन 3, इसमें कॉमन पोर्शन कौन सा हो गया, दिस इज द कॉमन पोर्शन, मतलब इसमें आंसर हो जाएगा माइनस इनफिनिटी से 2, मतलब x बिलोंग टू माइनस इनफिनिटी टू 2, समझ में आया। तो आंसर अगर दो इक्वेशन है तो आंसर हमेशा कॉमन कॉमन ही लिखते हैं, ये चीज ख्याल रखना है, तो बेसिक्स था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ग्राफ का कंसेप्ट, एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व एंड कनकेविटी ऑफ द कर्व, वो थ्योरी पढ़ेंगे, देन विल स्टार्ट द ग्राफ।